हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शहनाज और स्वागत है आपका भोपाली चटोरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी चिकन की रेसिपी। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और कसूरी मेथी, हरी मिर्च, दही। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम चिकन को 10 टू 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमने 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसमें हमने डाली है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची। अब हमने डाल दी है प्याज। अब हम इसे अच्छे तरीके से सॉट करेंगे। हमें जब तक सॉट करना है, जब तक कि प्याज का कलर लाइट पिंक कलर का नहीं होता। जब वो लाइट पिंक कलर का हो जाए तो हमें ऐड करना है टमाटर की प्यूरी। आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिए। अब हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमें इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, जिससे जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से पक जाए। जब हमारे टमाटर पक जाएंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए पूरे मसाले के साथ, और ज़रूरत हो तो उसमें पानी ऐड कर दीजिए। अब हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हमने ऐड किया है जीरा पाउडर, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है। अब आप इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने कोकोनट मिल्क यूज किया है, जो कि ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप 10 टू 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दें। अब मैंने एक अलग पैन ले लिया है, जिसमें मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें मैंने मेथी ऐड कर दी है। यहाँ पे हम मेथी को अच्छे से सॉर्ट करेंगे। जब मेथी अच्छी तरीके से सॉर्ट हो जाएगी और उसका पानी पूरा सूख जाएगा, हम इसे अपने चिकन के मसाले में ऐड कर देंगे। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मेथी को मिक्स करने के बाद आप ऐड करिए गरम मसाला पाउडर। इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है, जिससे कि जो मेथी का टेस्ट है वो चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। तैयार है गर्मा गर्म मेथी चिकन। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपका कोई सजेशन है या आगे आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक अंडर कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।